इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय जी है। सर, जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं अभी, आपको क्या लग रहा है कि पहले से अस्वस्थ इस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वोट परसेंट हमारा पहले से वहाँ बढ़ेगा। वहाँ पे जनता ने जमीन के स्तर पे जो हमें प्यार दिया है, भारतीय जनता पार्टी में भरोसा किया है, उसके आधार पे कह सकता हूँ कि वोट तो हमारा हर हालत में बढ़ेगा। सीटें कम हो रही हैं, ये थोड़ी चिंता की बात है। हम हमेशा करप्शन फ्री डेवलपमेंट के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, हम राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हम कभी क्षेत्र और जाति के आधार पर डिवाइड करके कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, ना हम कोई चुनाव में जाते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन्होंने झारखंड में कहीं न कहीं आदिवासी बनाम गैर आदिवासी ऐसा करके उन्होंने जाति और कास्ट के आधार पर और क्लास के आधार पर उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश किया है। हम हमेशा यूनाइट एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने करप्शन फ्री डेवलपमेंट के एजेंडे पे काम किया, उसी एजेंडे पे झारखंड की सरकार ने भी काम किया और इसीलिए 5 साल हमारी सरकार चली भी वहाँ पे। अभी देखते हैं अंतिम रिजल्ट क्या आता है, लेकिन निश्चित रूप से वोट हमारा बढ़ेगा, इस पे हम 100% श्योर। लेकिन अभी फिलहाल आप महागठबंधन से पीछे चल रहे हैं, देखते हैं अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, अभी तो हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सीए पर क्या जनता वोट नहीं दी झारखंड में? नहीं नहीं, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में आप प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है जितनी प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ, जितनी भीड़ आई है, उतनी भीड़ किसी की रैली में नहीं आई, किसी के भी नेता में इतनी भीड़ नहीं आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, जितनी भीड़ आई उतना किसी के नेता की रैली में भीड़ नहीं आई। तो समर्थन वहाँ हमें पूरा है, अंतिम परिणाम एक बार आने दीजिए, फिर बता पाएंगे क्या कहाँ क्या हो रहा है। क्या आजू के साथ फिर एक बार गठबंधन हो सकता है? आजू तो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। वो अगर आप वो देखिए, अगर उसको सोनिया जी और मोदी जी में छांटना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो मोदी जी के साथ खड़ा हो जाएगा, वो सोनिया जी के साथ कभी जा ही नहीं सकता है। साथ भाजपा नेता संतोष रंजन जी है। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव का रुझान आज जो आया है, सुबह से जो रुझान आया अभी तक, आप लोग अस्वस्थ हैं कि सरकार बनेगी झारखंड में भाजपा की? देखिए, झारखंड के चुनाव में जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के हित में है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है और मेरा मानना है हम पिछले 5 साल झारखंड की सेवा किए हैं, उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। हम डबल इंजन की सरकार वहाँ की जनता चाहती है, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रुझानों में बहुमत आप लोगों को नहीं मिल रहा है अभी, इसको फाइनल टैली मत मानिए। किसी सीट पर हम 50 सीट से पीछे हैं, 50 से वोट से पीछे हैं, किसी सीट पर 60 वोटों से पीछे हैं। अभी समय का इंतजार कर लीजिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो महागठबंधन था झारखंड का, वो आगे दिख रहा है, इसमें क्या कमी रह गई भाजपा को? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि इस पर अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि किसी सीट पर हम 50 सीट से आगे हैं, किसी सीट मैंने वोटों से आगे हैं, किसी सीट पर 60 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं। तो अभी फाइनल टैली आने दिया जाए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करें। यादव ने कहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे झारखंड के। तेजस्वी जी तो खुद भी मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन कहाँ हैं आपको पता है, इसलिए उनका कहना नहीं कहना, खुद भी अप्रभावी हैं झारखंड में, वो क्या बयान देंगे, क्या बोल पाएंगे। इस स्थिति में आजोस और बीजेपी फिर एक साथ आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जब जहां जैसा ज़रूरत होगा सरकार बनाने के लिए सभी खुले हुए हैं हमारे द्वार, हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जेडीयू और लोजपा अलग अलग लड़ी थी, क्या नुकसान पहुंचाया आपको? अभी तक हमें तो नहीं दिखता है कि कोई नुकसान पहुँचाया, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने अलग से चुनाव लड़े थे। वो ऐसा नहीं था कि झारखंड में वो हमारे साथ पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हमसे अलग लड़े थे, फिर भी हम 44 सीट लेके आए थे। 44 सीट लेके आए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता संतोष रंजन जी। अभी तक के जो रुझान आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के, उसमें बहुमत भाजपा को नहीं मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि भाजपा को बहुमत मिल जाएगी। कैमरामैन पंचानन के साथ केशव कुमार झा, एचएस न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।